People who work at office, bachelors, don't often get time to prepare breakfast. So today I'm introducing you a quick and easily made recipe for which all you need to have at home is whole bread. So yeah, you guessed it right, it's bread pizza, which we are going to be making in two different styles and can be given to kids, elders as well. So keep watching the video. सो टू बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेड पिज्ज़ा मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोस्ट ब्रेड जो कि होल वीट से बना है जो हेल्दी भी होता है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्टेड अमूल बटर ले रही हूँ. अब आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो उसमें आप सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा. तो क्योंकि ये बेसिक पिज्ज़ा स्टाइल है तो हम दो स्लाइस ऑफ ब्रेड यहाँ पे ले रहे हैं. उसके साथ ही कुछ वेजेस हम लेंगे, जैसे कि हाफ मैंने टोमेटो लिया है और उसे चॉप कर लिया है, और हाफ मैंने ऑनियन लिया है उसे भी मैंने चॉप कर लिया है. एंड देन आई एम टेकिंग दिस कैप्सिकम. कैप्सिकम इज ऑल्सो नोन एज बेल पेपर. तो मैं यहाँ पे दो तरह के कैप्सिकम ले रही हूँ, एक है ग्रीन कलर और एक है येल्लो कलर. Then I'm going to cut this into 1/4 part because I'm going to make only two pizza recipes. Based on your conveniency, you can take the veggies accordingly. अगर आपका बच्चा ज्यादा वेजीज खाना पसंद करता है तो ज्यादा आप डाल सकते हैं, नहीं तो कम कर सकते हैं. तो ये देखिए ग्रीन कैप्सिकम मैंने इस तरह के बड़े स्लाइसेस में कट कर लिए हैं और जिसे मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ. दो चॉइसेस है, आप स्लाइस्ड भी ले सकते हैं और इसे चॉप भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे एक बेल पेपर चॉप कर रही हूँ और दूसरा बेल पेपर जो येल्लो कलर में है वो मैं स्लाइस्ड फॉर्म में रख रही हूँ. तो इससे हमारे वेजीज पूरे हो गए हैं. आप चाहो तो एडिशनल वेजीज और लीव्स ऐसे कुछ ले सकते हैं आपके हिसाब से. तो नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई बटर ओवर द आउटर साइड्स ऑफ द ब्रेड. सो आई एम जस्ट टेकिंग अ स्पून एंड विद दिस आई एम गोइंग टू स्क्रैच द बटर सो स्मूथली एंड टेक सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इट हाउ एवर आई नीड. देन आई एम गोइंग टू रन द बटर ऑल ओवर द फेस ऑफ द ब्रेड. दिस इज द आउटर साइड ऑफ द ब्रेड. So you see, just using the spoon, I'm going to spread it all over the face of the bread. Just like the amount of butter is depending on you completely. And instead of butter, you can also apply ghee, which is also good for your kids. So you see, both the breads I have applied completely, the outer sides. Now just I'm putting it to the inner side so that we can do the inner fillings. सो फॉर द इनर फिलिंग फर्स्ट आई नीड हियर पिज्जा सॉस. पिज्जा सॉस के बजाय आप टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, बट टोमेटो सॉस अगर आपने लगाया है तो उसके ऊपर आपको रेड चिली सॉस या फिर सोया सॉस अप्लाई करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे डायरेक्टली पिज्जा सॉस, एक ही सॉस मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. अगर आप टोमेटो सॉस आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप एडिशनली सोया सॉस या तो फिर रेड चिली सॉस आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द चिली टेक्स्चर. फॉर पिज्जा सॉस यू डोंट नीड दैट. तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्प्रेड कर लिया है पिज्जा सॉस से पूरा इनर साइड. आउटर साइड पे हमने बटर लगाया था, इनर साइड पे हमने फर्स्ट पिज्जा सॉस लगाया है. और ये वेजीज जो है थोड़े थोड़े करके डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस. आपका बच्चा अगर ज्यादा वेजीज खाते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो कम कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू. देन आई एम टेकिंग दिस मोजरेला चीज. ये मोजरेला चीज जो है मैं यहाँ पे ग्रेटेड फॉर्म में ले रही हूँ. बेटर टू टेक ग्रेटेड चीज सो दैट इट कैन स्प्रेड ऑल ओवर द वेजीज और वो उस तरह का चीजी टेक्सचर जो है हमारे पूरे पिज्जा में फैल जाए. तो आई हैव जस्ट टॉप्ड अप वन ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड. तो दूसरा स्लाइस जो है डायरेक्टली हम उसके ऊपर रख देंगे. तो हमारा ब्रेड टोस्ट यहाँ पे रेडी है. Now all we have to do is just heating it up for 2 minutes. That's it. तो वो हीट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये पैन लेंगे और इसे अच्छे से मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है 5 मिनट से. तो इसमें मैं और थोड़ा सा बटर डाल के मैं उसे पिघला रही हूँ. देन एडिशनली विद बटर ऑलवेज वी हैव टू एड ऑयल ताकि बटर जो है जल ना जाए और एक अलग सी स्मेल फॉर्म हो जाती है. तो ऑलवेज इट्स बेटर टू एड ऑयल एडिशनली विद बटर. Then here you see after placing the bread toast जो हमने बनाया था उसे बहुत ही ध्यान से आपको इसके ऊपर place करना है. और उसे हमें क्या करना है, उसके ऊपर एक plate रख के ऐसे दबाना है, press करना है just for 10 to 15 seconds. That's it. ऐसे press करने से क्या होगा, वो veggies जो है अच्छे से cheese में mix हो जाएंगी और एक bonding create होगा दोनों slices के बीच में. और उसके ऊपर हम इस तरह के एक lid से ढककर रख देंगे just for 2 minutes on each side.
तो एक साइड पे 2 मिनट्स हो गए हैं, 2 मिनट्स और मे बी लेस देन 2 मिनट्स, दैट इज 1.5 मिनट, 1 मिनट इज एनफ। तो मैंने दूसरे साइड भी सेम वही प्रोसेस किया है, बस 5 सेकेंड के लिए मैंने उसे प्रेस किया थाली से हल्के से और वापस से ढक के रख दिया है। तो जस्ट 2 मिनट्स ऑन बोथ द साइड्स, दैट्स एनफ। आपका पैन अगर जल्दी जल जाता है, जल्दी बहुत ज्यादा गर्म है, तो आपको एक एक मिनट का काफी होगा। एंड आवर फर्स्ट ब्रेड पिज्जा इज रेडी। मैं आपको ये लास्ट में दिखाती हूँ, तब तक हम ये सेकेंड ब्रेड पिज्जा रेडी कर लेते हैं जो कि बहुत आसान है। अगेन हियर आई एम टेकिंग 2 ब्रेड स्लाइसेस और इसे मैं इस बार नाइफ से मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। बटर नाइफ से स्प्रेड कर, यू कैन अप्लाई लेस अमाउंट ऑफ बटर ऑल ओवर द फेस परफेक्टली। स्पून से नहीं हो पाता वो, तो ये नाइफ से जो है हो पाता है। आपके पास कम बटर बचा हुआ है तो आप जरूर नाइफ से ट्राई, इट विल बी परफेक्ट। तो हमने वापस से फिर से इनर साइड की तरफ अभी रख लिया है और ये फिलिंग्स कर रहे हैं। इस बार जो है दोनों स्लाइसेस के ऊपर हम फिलिंग कर रहे हैं। इस बार मैंने पिज्जा सॉस स्किप किया है क्योंकि ये भी एक चॉइस है, मैं आपको दिखा रही हूं। आप चाहो तो सेम फर्स्ट के ब्रेड पिज्जा फॉर्म में ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वेराइटी दिखाना चाहती हूँ आपको, बच्चों को, थोड़े बच्चों को सॉस जो है मुंह में आता है तो स्पाइसी लगता है, पसंद नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए आप पिज्जा सॉस स्किप कर सकते हैं। अभी वापस सेम मैंने पैन के ऊपर बटर गर्म, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू पुट ऑयल बिकॉज ऑलरेडी वी हैव यूज्ड ऑयल इन द फर्स्ट टाइम, सो दैट इज एनफ। एंड दिस टाइम आई हैव टेकन ए बिगर लिड क्योंकि हम पिज्जा को, ब्रेड पिज्जा को इस बार प्रेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली हमने रखा हुआ है तो वो चीज जो है इसके ऊपर लगने का चांस है। तो आपको थोड़ा बड़ा सा लिड आपको लेना है और क्लोज करके वापस से 2 मिनट्स के लिए आपको रख देना है। तो ये देखिए अच्छे से चीज जो है पिघल जाता है और वेजीज में अच्छे से फैल जाता है। सो और सेकेंड टाइप ऑफ पिज्जा इज एब्सोल्युटली रेडी और खुशबू जो है बहुत प्यारी सी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो दोनों ब्रेड पिज्जास मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी इन द एंड कि इसका चीजी टेक्सचर जो है कैसा आया हुआ। सो यू सी कितना आसान है ब्रेड पिज्जा बनाना। ये दोनों डिफरेंट स्टाइल्स में आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। एंड अगर आप बैचलर हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये आप रेसिपी बना के ब्रेकफास्ट के लिए ले जा सकते हैं। परफेक्टली हेल्दी एंड यम्मी ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ, इसका चीजी टेक्सचर जो है बहुत ही प्यारा सा आया हुआ है। लेकिन जब भी आप इसे खा रहे होंगे थोड़ा आपको गर्म करके खाना, तभी आप चीज का, पिज्जा का पूरा पूरा मजा ले पाएंगे। तो ये देखिए सेकेंड पिज्जा भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर बहुत प्यारे से आया हुआ है एंड द बेस इज प्रॉपरली फर्म। मैंने यहाँ पे वर्टिकल में पकड़ा हुआ है बट स्टिल इट्स नॉट गोइंग टू फॉल। तो देखा आपने, बस 2 मिनट का कमाल है, 2 मिनट एक पिज्जा और 2 मिनट दूसरा पिज्जा, बस 4 मिनट में रेडी हो जाता है। वेजिटेबल्स आप चाहो तो रात में कट करके रख सकते हैं, फ्रिज में आप मॉर्निंग इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ ऑफ द पिज्जा ऑलरेडी खत्म हो गया, तो जरूर आप इसे ट्राई कीजिए, खाइए, सबको खिलाइए। सो दैट्स इट फॉर दिस मंडे वीडियो गाइस। तो आपको ये कैसा लगा छोटा सा यम्मी सा प्यारा सा वीडियो? तो ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ वेंसडे वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।